करने वाले हैं दूसरे गाने पे, दास्तान-ए-मूमल रानो, द स्केचेस कोड स्टूडियो सीजन 11 एपिसोड 5। और अभी स्टार्ट नहीं हुआ जो खाने लगा अपन बकवास सुनने की आदत नहीं है, पीछे में कान लगा। अच्छा ये बकवास बकवास तो तुम ही करते हो, ये रिकॉर्डेड है। अच्छे से गाली कर देना, अच्छे से गालियाँ लीजिएगा देसी वाली। ਬੈਠੀ ਨਿਤ ਨਿਹਾਰਿਆ ਰਾਣਾ ਤੁਹੇ ਜੀਰਾ ਮੋਟਾਏ ਮਾਗਨ ਤੇ ਹਲਾ ਓ ਛਲ ਆਣੀ ਦੇ ਬਿਲਾ ਸੋਠਾ ਤੋ ਗਰਸਾ ਹੋ ਨਤਰਣਾ ਘਣਾ ਹਿਨ ਰਾਜ ਮੇ ਓ ਮੀਆਂ ਹਲਾ ਲਤੀਫ ਚਏ ਦਾ ਤਰਕਨ ਦਾ ਕਾਨ ਪੁੱਛੇ ਤੋ ਦਾਤ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਯਾ ਰਾਣਲ ਤੋ ਬਿਨ ਰਾਤ 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 ਹਲੋ ਹਲੋ ਕਾਕ ਤੜੇ
पुजते घड़जे नीह नकारात नदीह सब का पसे फिरी अखे हलो हलो काक तड़े जितनी हचार कान्हे का भी तवार सब का पसे फिरी अखे हलो हलो काक तड़े जितनी उछल का झलन पल सब का पसे पिरी अखे चंदन चारिया हो तुझे चांगे के चंदन चारिया आओ राणा रहु रात आओ राणा रहु रात तुझे चांगे के चंदन चारिया हो तुझे चांगे के चंदन चारिया आओ राणा रहु लतीफ जिए लतीफ 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 लालो लाल ओ लतीफ चबेनिया सिंध जो शाह लतीफ चबे दातर दी दुमदात दातर दी दुमदात तुझे चांगे के चंदन चारिया हो तुझे चांगे के चंदन चारिया आओ राणा रहु रात आओ राणा रहु चांगे के चंदन चारिया हो तुझे चांगे के चंदन चारिया आओ राणा रहु
कामिंग टाइप का एकदम गाना जा रहा, मजा आ गया सुनने में, कि फील लेने वाला गाना, कंसंट्रेशन नहीं लूज कर सकते थे बीच में। भाई सही में मैं एकदम पता मैं डर रहा था बीच में कि मैं एकदम सीरियस होकर बैठा हूं, लगा कि यार ये तो कुछ बोर हो गया क्या। नहीं नहीं सीरियस बैठना है, एक लिरिक्स थोड़े इसके टफ थे, मतलब टफ ये बात थी, मतलब उसके कैप्शन सॉन्ग थे हम लोग के, लेकिन लिरिक्स बहुत उलझाने वाले थे, मतलब वो एक चीज के बारे में बात ही नहीं हो रही थी, और कभी मुमल दो चल रही थी यार, टॉपिक तो एक ही था, लेकिन मतलब लिरिक्स पिछले वाले के मुकाबले ज्यादा, कभी वो अल्लाह को प्रेज कर रहे थे, कभी वो वहां के जो शाह थे उसके बाद लतीफ के पास है, वो सब बहुत सारी चीजें चल रही थी, तो उसके बीच में हम लोग खो गए। लेकिन फर्स्ट स्टेप में तो वो अल्लाह को क्लियर था कि मैं इंतजार कर रहा हूं कि वो कहां है, इंतजार कर, ये तो अल्लाह ही जानता है, ये अल्लाह ही जानते हैं, उन्हें ठीक है, चल लगा तो मुलाकात होगी, सब चीजें ये सारी चीजें, लेकिन लास्ट जब उसके बाद आया सेकंड और थर्ड वाला, मेरे ख्याल से उसी में हुआ थोड़ा सुनने में, लेकिन अच्छा लगा जब वो अचानक से सेकंड पार्ट हुआ, वहां पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया था, मुझे लगा अब और अच्छा होगा, थोड़ा तो मुझे लगा और वहां पे होगा, लेकिन वहां पे कॉम्प्लिकेशन थोड़ा ज्यादा आ गई थी, कोक स्टूडियो पे पहले भरोसा नहीं कर सकते ना, मुझे लगा कि यार चलो फ्लूट तो बहुत एकदम कामिंग बज रही है, लेकिन कब धमाके जा रहे, कुछ स्टार्ट हो जाए, कोई भरोसा नहीं रहता है, तो मैंने कहा ठीक है मैं सुनूंगा बाद में बोलूंगा, तो फिर बाद में सुनते लगा नहीं पूरा काम है ठीक है, तो अच्छा लगा सुन के, ये बहुत सोलफुल टाइप का म्यूजिक था, कि जब तुम एकदम खाली शांति टाइप का माहौल में हो, उसके बाद ये बहुत कंसंट्रेशन चाहिए खास कर समझने के लिए, मुझे तो वो चीन की आवाज जो स्टार्टिंग में देख रहे थे हल्का सा ऐसे कर रहे थे, चीन की आवाज वो भी बैकग्राउंड धीरे से बज रही थी, लेकिन लगातार वो उसे बजा रहे थे, कितना सही आवाज दे रहा था, अगर तुमको वो दिखाते नहीं तो शायद वो खो गई होती, पता नहीं चलेगा, अब तुमने ध्यान दे दिया तो तुमको लगा, मैं कॉन्स्टेंटली उसी को सुन रहा था कि वो कहाँ कहाँ पे है, और वो मालूम पड़ेगा कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक माइनर से साउंड की, कितनी माइनर से साउंड तो समझ में भी नहीं आया कि वो पीछे बज रहा है, लेकिन बहुत मैं कंसंट्रेटेड उसी चीज पे लगा था कि मुझे सुनना है वो कहाँ, और मैं सोच रहा था कि आज तो शायद ध्यान दे रहा होगा, क्योंकि तुमने पिछली बार बोला था ना एक बार जब वो घुंगरू वाला पार्ट था कि वो कहाँ कहाँ इसके दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ ये सारी चीजें हो रही है, वही मैं उसको लगातार देख रहा था, वैसे वो वाला इंस्ट्रूमेंट भी यूज करा उन्होंने, वो जैसे राजस्थान सारंगी बोलते हैं ना, राजस्थान सारंगी, अबे एक चीज और अच्छी लगती है, एक तारा होता है ये कभी है ऐसे कुछ बोल, मेरे को नाम मुझे पता नहीं है, राजस्थान में आप बताएंगे, अगर कोई सिंगर गेटअप भी उनका पूरा राजस्थान का और उसका गेटअप है, खैर ये सिंधी है ना तो ये थोड़ा उधर एरिया वही आ जाता है, राजस्थान का बॉर्डर मिलता है हां भाई, अब एक चीज और अच्छी लगती है कि जैसे नहीं पूरा कल्चर ही के पास अपना इंस्ट्रूमेंट होता है, अलग थोड़ा रहते हैं, जो सिंगर के पास अपना इंस्ट्रूमेंट होता है उसे ये अलाउ करते हैं, ठीक है वो अपना ही इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे जो सिंगर, तो इसीलिए जो उसके लिए परफेक्ट है, पहचान है वो उनकी, ऐसा नहीं कि उनके पास है नहीं होगा, लेकिन नहीं वो एकदम आपको उसी ड्रेसअप कोड में सब कुछ एकदम प्रेफर करते हैं कि आप उसी में आइए अपने स्टाइल में गई है, और हम आपके ऊपर अपना इंस्ट्रूमेंट है, खैर ये होना भी चाहिए क्योंकि ये काम अगर कोक स्टूडियो नहीं करेगा तो और कौन करेगा, क्योंकि वो ही तो म्यूजिक के जिम्मेदार है इस समय पाकिस्तान में, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, वैसे तो पाकिस्तान में क्या कहते हैं इतने सारे लेजेंडरी लोग हैं, ठीक है शायर और रहे हैं लोग, और जो इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात की जाए तो कोक स्टूडियो ही एक पहचान है, इंडिया में तो तब भी बहुत लोग जानते हैं, इंडिया और अफगानिस्तान में क्योंकि हम लोग की लैंग्वेजेस मिलती है इसलिए लोग जान भी जाते हैं बाकी लोगों को, लेकिन बाकी सबके साथ उतना वो नहीं है, इंग्लिश सबटाइटल नीचे दिया ही था कि ओवरऑल कोऑर्डिनेशन में सब कोई जा सके, हर कोई सुनता है इंग्लिश है, वो कैप्शन मुझे डिस्ट्रैक्ट करता है, मुझे लगा यार मैं गाना पे ध्यान नहीं दे पा रहा उसके चक्कर में, भाई पढ़ने पे ज्यादा कंसंट्रेट, कभी कभी लगता है ना कि वो हटा ही दिया जाए वो भी ना, लेकिन बस एक्चुअली पब्लिक गुस्सा करने लगती है इसलिए सुनना पड़ जाता है, हम मीनिंग नहीं समझ पा रहे क्योंकि इसके टफ थे, लेकिन उसमें मुझे मीनिंग जानने की जरूरत नहीं, हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि इस म्यूजिक को एंजॉय करने के लिए होता है ये पता है, इस म्यूजिक को एंजॉय करो ना, हां वो तो है, लेकिन एक स्टोरी थी जो तुम जानना थी, स्टोरी फर्स्ट पार्ट में मैंने पूरी स्टोरी सुन ली, सेकंड पार्ट में थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया तो मैंने कहा छोड़ दो, गाने लेकिन अब ये है कि अब तुम सुनो जो उसको तीन चार बार तब समझ में आ जाएगा, तब मैं पूरा समझ में आ जाएगा, चार बार अभी तुम दो घंटे का प्रेजेंटेशन वीडियो बनाओगे इसकी तो अलग रिएक्शन होगा, अच्छा अलग रिएक्शन होगा और ठीक ठाक आएगा क्योंकि सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन ये रिएक्शन समझ के रॉ है, और इसकी साउंड ट्रैक भी बहुत अलग थी और कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें सारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए थे
उन्होंने ये चीज पहले भी तो बोली थी कि ये एकदम लव स्टोरी पे बेस्ड है, जो 300 इयर्स पहले वाली था, सब कुछ वहीं से उठाया। उसने बोला, उसने बोल भी तो रहा था कि आओ उसी पैलेस में चलते हैं जहाँ पर तो उसने कहा भी था कि सब पानी हम बताएंगे। सही है, एकदम वैसे ही ले गया। चलिए मेरे ख्याल से टाइम है दिल है पाकिस्तानी का। तो चलिए हम लोग का रिएक्शन यहीं तक था। थैंक यू, तीसरे गाने में मिलते हैं। पीस आउट।